सो हे गाइस, दिस इज वंस अगेन कम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेरे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्स के बारे में, जो कि आपके एडमिशन के टाइम लगेगा। वैसे तो ये एडमिशन के टाइम लगता है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, लेकिन यार इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको पहले से ही रखना पड़ेगा। जब आपकी रैंक निकल जाती है, जब आपका मैरिट लिस्ट आ जाता है, उसके बाद से इस सभी डॉक्यूमेंट्स को यार आप सभी को सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ये एकदम करके रखना पड़ेगा, ठीक है। बना के रखना पड़ेगा, बनवा के पहले से रखना पड़ेगा, अन्यथा आप अगर फेल हो जाते हो एक भी डॉक्यूमेंट में तो आपका एडमिशन तक रुक सकता है एंड आपके एडमिशन जो है कैंसिल हो सकता है। इस वीडियो में लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट टाइम वेस्ट करें। इस वीडियो में इसी चीज को जानने वाले हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और वो मैंडेटरी है, राइट। तो सबसे पहले आप सभी का जो आपका आ जाता है, सबसे पहले पेमेंट रिसिप्ट आ जाता है जो कि ऑनलाइन इनिशिएट करते हैं हम। ये जो है ना यार, ये वाला दो पेमेंट स्लिप होती है इसमें। फर्स्ट आपकी 606 रुपए वाली, जब वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आया था वो वाला, एंड सेकंड जो होता है वो आपका होता है ऑलमोस्ट 8,500 का आपका होता है, ठीक है। वो कौन सा होता है, ये कौन सा होता है, ये होता है यार जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है किसी भी एडमिशन कॉलेज में, और वो कॉलेज जब आपको अलॉट हो जाते हैं ना, उसके बाद ये आपका एडमिशन फीस ली जाती है, फर्स्ट सेमेस्टर की फीस ली जाती है बेसिकली, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर की फीस ली जाती है, जैसे आपका कितना है, आपका फर्स्ट ईयर की जो फीस है वो यार 16,000 के आसपास है कुछ, ठीक है। तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस है वो ऑलमोस्ट यार 8,500 के आसपास लगने वाला है, 7,500 के आसपास लगेगा, वो उसके हिसाब से होगा जो आपके फर्स्ट ईयर की फीस है, ठीक है। फीस वाली वीडियो मैंने अपलोड करी थी, उसको देख जाके देख लेना। सेकंड जो डॉक्यूमेंट आ जाता है यार आपका आ जाता है कॉपी ऑफ द कैंडिडेट प्रोफाइल रजिस्टर्ड कैंडिडेट फ्रॉम द dsuonline.com है, ठीक है। वैसे डॉट कॉम नहीं है, .in होना चाहिए, ये गलत लिखा इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो है ना कैंडिडेट प्रोफाइल, जो आपका प्रोफाइल है, जो आपका यहाँ पे ये वाला सेक्शन होता है, तीन जैसे आपका डैशबोर्ड खुलता है, ठीक है। उसके बाद जो तीन प्रोफाइल होता है उसमें जो फर्स्ट वाला होता है, वहाँ पे अगर जाओगे डैशबोर्ड में, फर्स्ट वाला माई एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद, उसके बाद जो ये आपका ये वाला फॉर्म आपका है ना, यही चीज आपके कैंडिडेट प्रोफाइल होती है, एंड जिसमें आपकी फोटो वगैरह सारी चीजें लिखी रहती है, कोर्स यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आपका ये वाले सारे नंबर्स लिखे रहता है, ये सारी चीजें जो चीज है वो आपके आ जाते हैं कैंडिडेट प्रोफाइल में, ठीक है। तो थर्ड में आ जाता है यार आपका कॉपी ऑफ द चॉइस सबमिटेड बाय द कैंडिडेट, जो ये जो चीज है ना यार, ये चीज आपके जब प्रेफरेंस फिलिंग होती है, जब आपकी काउंसलिंग होती है, उसके बाद जिस काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिलता है, सिर्फ और सिर्फ उसी काउंसलिंग का प्रेफरेंस फिलिंग लगती है यहाँ पे, चॉइस सबमिशन मतलब की प्रेफरेंस फिलिंग। अब काफी बच्चों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है, तो सेकंड राउंड में जाके मिलता है, तो सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग की जो आपकी प्रेफरेंस फिलिंग होती है चॉइस सबमिशन, वो लाके लगेगी यहाँ पे, फर्स्ट राउंड की नहीं लगने वाली, ठीक है। यहाँ पे इतनी बात हमें समझ में आ गई, ग्रेट। नेक्स्ट आ जाते हैं यार फोर्थ, आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। अब भैया ये क्या चीज है, ये चीज है आपकी जब कॉलेज अलॉट हो जाते हैं ना, ये जब कॉलेज बिल्कुल तरीके से अलॉट हो जाते हैं, उसके बाद एक प्रोविजनल आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिलता है, ठीक है, कि आपका भैया इस कॉलेज में ना आपका एडमिशन हो चुका है और इसी कॉलेज में आपको फीस भरनी है, ठीक है। तो वो चीज जो अलॉटमेंट लेटर आएगा ना, वो चीज आपको यहाँ पे जमा करनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ डेट ऑफ बर्थ, जो कि आपका सेकेंडरी, जिसने किसी ने अगर यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल मतलब कि 10th की मार्कशीट अगर अटैच कर, क्योंकि 10th की मार्कशीट ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, ओरिजिनल आपका वो देखते हैं, ठीक है, और वो सेल्फ अटेस्टेड आपका लेते हैं फोटोकॉपी, यहां पे जैसे आपका ये फोटोकॉपी करवा लेना उसका और यहां पे सिग्नेचर कर देना, ठीक है। तो आपका वो सेल्फ अटेस्टेड बन जाता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आ जाता है आपका 12th की मार्कशीट, ठीक है, 12th की मार्कशीट अगर आपके पास है, 10th वाले बंदे जो है इनके पास तो नहीं होगा, 12th वाले जो बच्चे हैं उनके पास ये 10th वाली होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स यार आप सभी के जो है वो आपका यूजी के लिए भी है, फार्मेसी के लिए भी, आपका मिलिट्री एंट्री के लिए भी है, और हमारे डिप्लोमा कोर्सेज के लिए भी है। तो रखना है ये सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से आप बना के रखने ना, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो की बात करते हैं, नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आता है आपका सीटी स्कोर कार्ड, ठीक है, इफ एप्लीकेबल, जो आपका सीटी स्कोर कार्ड जो आपका आता है ना रैंक, वो चीज अगर आपकी आती है तो उसको प्रिंट करवा के रख लेना, जब आपका रिजल्ट आएगा 15 तारीख के आसपास बाद ही आएगा 15 तारीख के, तो उसके बाद जो आपका सीटी रैंक आती है, मेरिट लिस्ट आती है, वो चीज आपकी यहाँ पे उसको प्रिंट करवा के रख लेना है, ठीक है। इफ एप्लीकेबल है मतलब कि मैंडेटरी नहीं है, बट इसको भी रख लेना, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ द मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10th 12th डिप्लोमा फॉर एवरेज, मतलब कि जो आपकी लेटेस्ट आपका यहाँ पे क्वालिफाई एग्जामिनेशन होगा ना, वो चीज, किसी ने 10th आपकी लेटेस्ट करवा रखी होगी, किसी ने 12th कर रखी होगी, किसी ने ITI कर रखी होगी, तो इसी प्रकार के जितने भी जो लेटेस्ट क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन आपने पास करा है, उसका आपका यहाँ पे 10th आपका सर्टिफिकेट चलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ जाता है यार आपका, वो आ जाता है नेक्स्ट, ये कहाँ गया, ऊपर कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, एंड यार हाँ नेक्स्ट आ जाते हैं आपकी SC ST की जो कैटेगरी है उस वाले बच्चों के जितने भी सर्टिफिकेट है वो, ठीक है, जितनी भी सर्टिफिकेट है आपके ST ST OBC डिसेबिलिटी PWD इन सभी का जो है ये एनेक्शन 5 है। अभी एनेक्शन 5 कौन सा है, एनेक्शन 5 आपको फिलअप करना पड़ेगा। एनेक्शन 5 में आपको सर्टिफिकेट को दिखा देता हूँ, ये आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जाओगे ना इसके क्या ऊपर है आपका, यहाँ पे ये देखो ये सारे जो एनेक्शन है ये सभी एनेक्शन है, ये एनेक्शन 7 है, ठीक है, और ये ऊपर जाओगे ये मेडिकल सर्टिफिकेट था, मेडिकल सर्टिफिकेट किस प्रकार से भरना है वो बताऊंगा, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको
आपको बाहर से बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसी चीज को आपको प्रिंट करवा लेना है और इसी में आपको डॉक्यूमेंट और सर जो आपका डॉक्टर है वहां से सिग्नेचर वगैरह सारी चीज करवा लेना। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है आपका सिक्स्थ और ये वाला आपका आ जाता है कश्मीरी माइग्रेंट जो कश्मीर वाले बच्चे हैं उनके लिए, और ये आ जाता है आप सभी का SST SC OBC ये आ जाता है आपका डिसेबिलिटी वाला, यहाँ पे एनेक्शन 5 लिख बोला था ना इन्होंने, ये वाला ऊपर करते हैं, इसको ऊपर करते हैं, इसको ऊपर करते हैं एंड यार यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला आपका आ जाता है फॉर द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। ठीक है, ये क्या आ जाता है आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का आ जाता है, तो ये वाला आपको एनेक्शन निकलाना पड़ेगा फॉर्म 2 और इसको निकलवा के प्रिंट करवा के इसको फिलअप कर लेना है और इसको वेरीफाइड करवा लेना अपने डॉक्टर्स वगैरह से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, बस इन सभी को ये है तो ये आपका लग जाएगा। ठीक है, इसको प्रिंट करवा के इसको निकलवा लेना। ठीक है, एंड फिर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ जाती है आपकी, नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट वो आ जाता है आपका ईयर कंडक्ट फॉर द कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका ये जो 10th एंड 12th में मिलता है मतलब कि स्कूल वाले देते हैं। ठीक है, आपका ये वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है ओरिजिनल भी लगेगा और सेल्फ अटेस्टेड भी लगेगा, लो दोनों ले जाना, ओरिजिनल देखेंगे सेल्फ अटेस्टेड रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मेडिकल सर्टिफिकेट जो मैंने बताया मैंने एक्स्ट्रा 7 वाला। ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SLC। ठीक है, SLC तो ओरिजिनल ही लगता है, डुप्लीकेट इसका लगता नहीं है, लेकिन फोटोकॉपी निकलवा के आप रख लेना, आप अपने पास रख लेना फोटोकॉपी वाला और ओरिजिनल सबमिट हो जाता है SLC। ठीक है, ECA सर्टिफिकेट जो जिन्होंने ECA वाले बच्चे हैं, जो ECA वाले सब बच्चे हैं तो ECA वाले डॉक्यूमेंट लगने वाला है, जो जिन्होंने ECA नहीं भरा है आपका ये वाला हो गया। तो ये सारे जो स्पोर्ट कॉम्पिटिशन वाले जितने भी बच्चे हैं इन्होंने भरा है, NCC वाले बच्चे हैं, तो उन सभी का जो जितने भी डॉक्यूमेंट लगाए वो सारे ECA में आ जाते हैं, तो वो सारी चीजें लगेगी और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी इन्होंने डाला है तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी लगेगा वहाँ पे। ठीक है, और 2 फोटो पासपोर्ट साइज फोटो जो लेटेस्ट आपकी कलरफुल फोटो होगी ना वो आपके 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगने वाली है, तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को लगने वाले हैं, ये सभी आपका लगने वाला है और इसके अन्यथा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला है। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो भी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आएगा जब आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा, जब आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा उसके बाद ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं। अगर एक भी डॉक्यूमेंट इसमें कम हो गया, ठीक है, एक भी डॉक्यूमेंट अगर कम हो गया तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, वो कैंसिल भी हो सकता है, तो इन सभी डॉक्यूमेंट को अच्छी तरीके से देख लेना जो कि मैंने पूरी वीडियो में बताया, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। बाकी कोई और डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में मत भूलना और चैनल पर नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसी तरीके से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती रहती है डीएससी से रिलेटेड। ठीक है, तब तक चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सेव अ ग्रेट डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ, बाय।